कि जनरल नॉलेज होती है उसके आधार पर तो हर कोई बोल लेगा, लेकिन डीपली तो तभी बोलेंगे जब हम ब्रीफिंग में एक एक चीजें देखेंगे। प्राथमिकता जो हमारी सरकार की है उससे हम बाहर नहीं है, वही हमारी प्राथमिकताएं हैं, सारी प्राथमिकताएं पहले से फिक्स हैं। मंत्री जी, लेकिन स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखकर आपको मंत्री बनाया गया है, इसलिए कि लगता है कि बतौर नहीं, हमारे देश में ही बहुत ज्यादा पर्यटक आते रहते हैं। धार्मिक पर्यटन अलग है और जो घूमने के उद्देश्य से आते हैं वो पर्यटन हमारा अलग है। उसके पूरी तरह से स्टडी करने के बाद पता लगेगा कि हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है। वैसे काफी कुछ इस क्षेत्र में कर रहे हैं और लगातार ये फील्ड ऐसा है कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड को लेकर आपकी कोई योजना है? देखिए, योजना बनेंगी बहुत सारी हैं दिमाग में, अभी तो चार्ज लिया ही है, मैंने कहा ना ब्रीफिंग वगैरह सारी चीजें लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है। वैसे भी जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हमारे वहां पूरे भारत को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ पर्यटन में ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, कोई प्रदेश ऐसा अछूता नहीं है। सारी स्टडी करने के बाद तब एक एक करके उस पर काम प्रारंभ होगा। एक और सवाल मंत्री जी, चार धाम यात्रा है उत्तराखंड में काफी मशहूर है और वो चार धाम यात्रा को रोक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग जो रोजगार था, देखिए उसमें सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, उसके आधार पर ही कोई डिसीजन होगा। जो न्यायालय डिसीजन करेंगे उसको सब मानने के लिए बाध्य होंगे। अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है क्योंकि मामला सब जुडिस है।